हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है सुन्नी मार्केट। अच्छा ये बोलाओ यूको बैंक यार। तो ये है हनुमान सिंह सुन्नी। तो आज हनुमान जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि हम जाके आते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये है होमगार्ड ऑफिस। पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, अब जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। कितनी बड़ी बकरी है ना। तो ये देखिए सामने का व्यू, और ये जो रिवर है ये वही रिवर है जो आपको मैं दिखाती हूँ, बट जो सामने दिखाई दे रहा है उस साइड होते हैं हम। और जो उस दिन आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि स्नूफी जो गया था पानी में, तो वो इस साइड गया था, जो सामने दिखाई दे रहा है उस हाइट पे थे हम वहाँ पर। ये हमारे वाला एरिया, तो सीन बहुत सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। तो आप भी एंजॉय कीजिए इस सीन का। मुझे लगा कि आज आपको मैं कुछ नया दिखाती हूँ, तो हमारा अचानक बन गया मंदिर आने का प्रोग्राम। तो जो आपने देखा कि देखो पीछे का व्यू कितना सुंदर है, रिवर के साथ हनुमान जी का मंदिर। मिनट तो यहाँ से हमें मिला है प्रसाद। तो अब हम आ चुके वापस मंदिर से। तो बट यहाँ का जो सीन है ना बहुत सुंदर है और एकांत है यहाँ का मंदिर बिल्कुल। और ये रोड हेड पे, और जो ये रोड आपको दिखाई दे रहा है ये शिमला से आ रहा है, तो ये मेन रोड है इधर का। ये देखिए ये जो बस आ रही है, ये मेन रोड शिमला का, जो सिटी शिमला से डायरेक्ट बसेस जाती हैं वो इसी रोड पे पहुंचती है। तो अभी तो हम पैदल ही जाएंगे वहाँ तक। हम तो छोड़ा था हमें यहाँ, तो उनको कुछ काम है बैंक में, तो वो बैंक में, और अब जा रहे हैं हम पैदल। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दूर है, 5 मिनट का रास्ता है। तो आपको बताती हूँ मैं मंदिर किसके साथ आई थी, तो इनके साथ आई थी मैं, अपनी बहू रानी के साथ। तो जो कि मेरे साथ हमेशा ही रहते और हम दोनों घूमते फिरते कम है, बट आज हम गलती से निकल गए घर से बाहर थोड़ी सी हवा लगाने के लिए। तो हनुमान जी की वजह से आ गए हम मार्केट में, नहीं तो हम दिखते नहीं है मार्केट में इधर। यहाँ आए हम शॉपिंग के लिए, तो हमने यहाँ पे ड्रेसेस पसंद की बच्चों के लिए। देखते हैं क्या लेते हैं। 1 दर्जन डालो आराम से। तो हम यहाँ कर रहे हैं बिंदियाँ सेलेक्ट, चूड़ियाँ। देखो ये तो छोटा साइज चाहिए था। तो यहाँ पे ये मैडम पहन रही हैं बैंगल्स, देखो उनको कितना टैक्ट है पहनाने का। तो अब बताती हूँ फ्रेंड्स आपको मैं कि हमने आज क्या क्या शॉपिंग की। तो ये लिया है हमने बेबी सेट, और ये है चेन बच्चे के लिए, तो वो है बेबी गर्ल। ये देखिए है तो बड़ा है, पर एक ही बच्चे ने तो बड़ा ही होना है, फिर उसको आगे भी काम आएगा। और बहुत प्यारा है, सॉफ्ट है बिल्कुल। और ये उसके लिए ये चेन लिए। बाकी सामान हमने और लेना है, कल जो हमारे देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स ये लिया हमने सेट लिया है, और ये चेन लिए गले की ये, और बाकी उस हम कल और लेंगे सामान, वो आधा रहा है लेने के लिए, उसको हम कर लेंगे। और मेरे लिए लिया इन्होंने ये पर्स, तो मुझे नवरात्रों में ले लिया था, तो मैंने इसका व्लॉग बनाना था पर नहीं टाइम लगा मुझे तो। और ये देखिए बट ये आज ली मुझे पायल, तो मेरी गुम गई थी, तो ये लिए मुझे आज ये मेरी पायल। और अपने लिए तो ये बिंदियाँ ली मैंने, और नेल पेंट। ये की आज हमने शॉपिंग, बाकी आधी शॉपिंग वो कल रही है। तो फ्रेंड्स आज आपको बताती हूँ मैं कि हमारे घर में कौन आया। तो वो कौन आया, वो कौन आया, ये आया। मैं आई हूँ। तो टिया ही मुझे मम्मी पापा ने गिफ्ट किया है। तो आज टिया वापस आई हॉलीडेज पे शिमला से। तो पापा नो मैंने मेरे बहुत टाइम से मन था गोल्ड के इयररिंग उतार दिए, और ये ले लिए। मुझे इसका बहुत ज़्यादा आजकल यही ट्रेंड में चल रहे हैं मम्मा। दिखा ये देखो, ये देखो, ये मैम ना। तो ये लिए इन्होंने गोल्ड का छोड़कर, तो गोल्ड में ये लिए है मैंने इयररिंग्स इस साइड में, और इस साइड का मेरा ऊपर वाला वो जो ये तो मतलब करवाए थे मैंने दोनों साइड, बट इस वाला ये वाला बंद हो चुका था, ये गलत कर दिया था छेद क्योंकि। और मैं भी इतना मतलब हेडेक हो रही है मुझे, मेरा बहुत टाइम से भी इनको लेने का मन था। और आज उन्हें बस से उतरते मैंने देखा कि मम्मा वगैरह वैसे ही वहाँ पे इन्होंने मेरे को बोला कि हम जो यहाँ ज्वेलर है वहाँ पे थे ये लोग उसकी शॉप में। फिर मैंने सोचा, मैं मेरे दिमाग में नहीं था क्योंकि बस में इतना ज़्यादा मतलब क्राउड था ना आज, इतना ज़्यादा मतलब 3 दिन की हॉलीडेज थी, सारे घर आ रहे थे ऐसा लग रहा था। आप भी आ रहे थे जैसे, तो वैसे वो लोग भी आ रहे थे। इतनी लेग्स पेन, हेडेक, वॉमिटिंग होने का मन, ऊपर से मतलब बैग रखने लायक जगह नहीं, सोचो बैग भी उठा के आना पड़ा पूरी बस में। बहुत गंदी बस के हालत है आज। ऊपर से फिर बस इसकी टाइमिंग भी ऐसे, जैसे मैं कॉलेज से मैं 1 o'clock फ्री हुई, 2 o'clock में बस स्टैंड पहुंची, और उतने को देखा तो 3 o'clock आएगी बस, फिर 1 घंटा वहीं वेस्ट हो गया। फिर अब वो बस आई तो वो इतनी फुल थी, फिर अब 4:30 वाली बस का कौन ही वेट करता, इसलिए मैंने सोचा मैं इसमें बैठ जाती हूँ। और अब मेरी इतनी हेडेक हुई है अभी। मैंने फिर क्या, मैंने पानी पिया बहुत ज़्यादा, डिस्प्रिन खाई है, देखते हैं थोड़ा बेटर फील हो रहा है मुझे। मेरे को तो पसंद नहीं है। गोल्ड के इतने अच्छे इयर रिंग थे, इतने सुंदर गोल्ड के, तो सब ट्राई करना चाहिए, सब है ना, यही तो लाइफ है। सारी चीज़ें अभी ट्राई करेंगे, फिर कब करेंगे बाद में तो गोल्ड ही गोल्ड पहनना है, अभी टाइम है ना सिल्वर पहनने का। शौक सारे पूरे कर लेने चाहिए। देखो ऐसे कॉलेज का ऐसे हेयर स्टाइल बना के देते, कैसे हो गया बात। और सुनूफी बेचारा भी डिनर, हाँ डिनर, डिनर करना पड़ेगा अभी। मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो फ्रेंड्स आज हमने जाना था अपनी नैना जी के घर पर, जहाँ पे उनके मतलब पोती हुई है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत फीवर हुए मेरे को, हुआ बहुत फीवर लगा है। तो यही जा रहे हैं, टिया जा रहे हैं और इनके पापा जा रहे हैं। मेरा मन तो बहुत था और मैं वहाँ जाके ब्लॉग भी बनाती, बट अब क्या कर सकते हैं, बीमार है तो अब क्या कर सकते हैं, घर पे रहो। अब मत कर, टिया दर्द है, घर पे रहो, रेस्ट करो। और हम जा रहे हैं, पहले हम पी लेते हैं पानी, मैंने बॉटल भी ली है। इनके तो अपने नखरे रहते हैं ना। ठंड के लिए लिया क्या बात, मैं शिमला से लाई, ऐसे मिलना नहीं था ना, पर चलिए अब क्या करना ऐसे ना, ये यहाँ पे, ये इधर, अच्छा ये मेरे को, ये आपको अच्छे से खाना और मोटे होना, ठीक है। बोल दो ना जो